ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चमत्कारी पांच चिन्ह यदि आपके हाथ में मौजूद हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं से धन आपके पास आ ही जाएगा, बशर्ते ज़रूरत है तो ध्यान से देखिए अपने हाथ में। आपके राइट हैंड में यदि आप पुरुष हैं तो, और यदि आप महिला हैं तो अपने उल्टे हाथ में देखिए। ये जो पांच चिन्ह जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अगर ये आपके हाथ में है तो आपके पास कहीं से भी धन अवश्य आएगा। सबसे पहले यह क्रॉस अगर आपके हाथ में मौजूद है ठीक उसी जगह पर जहां पर दिखाया गया है, तो यह बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है, बहुत ही अच्छा सिंबल है ये, और ऐसे व्यक्ति का मिजाज बहुत अच्छा होता है, मिलनसार होता है ये सबसे, और धन कमाने के लिए कोई ना कोई जरिया ये ढूंढ लेता है, और लक्ष्मी को प्रसन्न किस प्रकार से करना है ये अच्छी भांति जानते हैं। इन लोगों के पास कहीं ना कहीं से धन आता ही रहता है, और ध्यान रहे यह जो क्रॉस है ये कटा हुआ ना हो, इस क्रॉस में किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो तो आपके पास धन अच्छी मात्रा में आएगा, और यदि यह क्रॉस टूटा कटा फटा है तो भी आपके पास धन तो अवश्य आएगा। दूसरी जगह ये फिश, वैसे तो मछली बहुत जगह पर होती है और हर जगह पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है, यदि फिश का साइन आपके हाथ में इस जगह पर है तो आपके पास बहुत ज़्यादा धन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। यहाँ पर मछली का साइन हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमाता है, किंतु उसी प्रकार से धन जब कमाएगा तभी कमाएगा जब मछली का जो चिन्ह है वह टूटा फूटा ना हो, बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, कोई भी और रेखा उसे काटती ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, और जितना पतला ये साइन होगा उतना ज़्यादा उसको धन मिलेगा। अगर आपके हाथ में मोटी फिश है तो भी आपको धन मिलेगा, किंतु यदि पतली फिश है, पतली मछली आपके हाथ में है तो आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। स्रोत कुछ भी हो सकते हैं, कहीं से भी धन आ सकता है, किंतु अवश्य आपको धन मिलेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से, हमारे पैदा होने से पहले से ही हमारे हाथ में छप जाती हैं। तीसरा हाथ, यदि आपके हाथ में इस तरह का निशान है तो आपके पास 32 साल की उम्र के आसपास आपका खुद का एक घर बनेगा, और ये कोई मामूली घर नहीं होता, ये काफ़ी बड़ा होता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है, और ऐसे व्यक्ति को अपना मिजाज थोड़ा सा नरम रखना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसे में अपना मिजाज नरम रखता है तो उसके पास बहुत बड़ा घर होता है जिसमें स्विमिंग पूल भी वह बना सकता है। इस हिसाब से उसके पास इतना बड़ा घर होता है जिसके आगे चार गाड़ियाँ, लोग सपने देखते हैं स्विमिंग पूल के घर की, चार गाड़ियाँ हों, और जिस प्रकार से एक आलिशान घर होता है उस प्रकार का ऐसे निशान वाले व्यक्ति के हाथ में उसके पास घर होता ही होता है, और ऐसे व्यक्तियों को अपना थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। उनको थोड़ा अधिक गुस्सा आता है क्योंकि यह धन अवश्य दिलाता है, धन के साथ साथ थोड़ा सा आपको गुस्सा आने लगता है। अगला निशान है स्टार का, मात्र 1% लोगों के हाथ में ये स्टार होता है, और ये बुध का पर्वत है, जुपिटर माउंट जिसको कहते हैं, और यहाँ पर किसी के अगर स्टार हो यानी कि सितारा हो तो वह व्यक्ति सितारे की तरह चमकता है, बशर्ते वह सितारा आपकी मुट्ठी बंद करने के बाद आपके हाथ में होना चाहिए। यदि मुट्ठी बंद करने पर सितारा बाहर है या उसकी कोई भी रेखा बाहर है तो वह काम नहीं करेगा। यह बहुत कम लोगों के हाथ में देखा गया है, लेकिन जिसके भी हाथ में यह सितारा है वह खुद एक स्टार बन जाता है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पैदा होने से पहले बन जाती हैं, और आप बिलीव करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु आप यदि पामिस्ट्री में जाएं और उसके गुण रहस्य पहचानें तो ये सब चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद आती है एक लंबी फिश, अगर मछली का साइन यहाँ पर हो तो आपको पॉपुलैरिटी बहुत मिलती है, नाम, सम्मान, पैसा, सब कुछ आपको बहुत मिलता है, फेम दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है, और जब मान सम्मान होता है तो पैसा तो अपने आप अतः धन आपके पास इकट्ठा होने लगता है। और याद रखिए एक की जगह पर बहुत सारी फिश भी हो सकती हैं, किंतु यदि एक फिश भी अगर व्यक्ति के हाथ में
सही तरीके से है तो वह भी करोड़ों में आपको कमाई का साधन बना के देती है। सिर्फ आप अपने हाथ को ध्यान से देखिए। यदि आपके हाथ में फिश का साइन है इस जगह पर, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं से ऐसे साधन बनते रहेंगे जिससे कि आपके पास धन का आवागमन लगा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दुर्लभ सामग्री चैनल को लाइक ज़रूर करिए और वीडियोस को शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय।